क्या आप जानते हैं कि आपके अंतिम संस्कार के बाद आमतौर पर क्या होता है या क्या होगा? कुछ ही घंटों में रोने की आवाजें पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, रिश्तेदारों के लिए खाना बनवाने और मंगवाने में जुट जाएगा पूरा परिवार। कुछ पुरुष सोने से पहले चाय की दुकान पर टहलने निकल जाएंगे। कोई रिश्तेदार आपके बेटे या बेटी से फोन पर बात करेगा कि इमरजेंसी की वजह से वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पा रहा है। और तो और, इधर आपका मृत शरीर चिता पर जल रहा होगा, उधर अंतिम विदाई देने आए लोगों में से कोई फोन पर किसी से बतिया रहा होगा, कोई व्हाट्सएप फेसबुक पर व्यस्त होगा, तो दूर झुंड बनाकर बैठे कुछ लोग घर परिवार व्यवसाय खेल इस तरह के विषयों पर चर्चा कर रहे होंगे। अगले दिन रात के खाने के बाद कुछ रिश्तेदार कम हो जाएंगे। कुछ लोग सब्जी में नमक कम था ऐसी शिकायत करते होंगे। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगेगी। आने वाले दिनों में कुछ कॉल आपके फोन पर बिना ये जाने आ सकते हैं कि आप मर चुके हैं। आपका कार्यालय, आपकी दुकान आपकी जगह लेने के लिए किसी और को ढूंढने में जल्दबाजी करेगा। एक हफ्ते बाद आपकी मौत की खबर सुनकर आपकी पिछली पोस्ट क्या थी ये जानने के लिए कुछ फेसबुक मित्र उत्सुकता से खोज कर सकते हैं। 10 दिन बाद आपका बेटा बेटी अपने अपने काम पर लौट जाएंगे। महीने के अंत तक आपका जीवन साथी कोई कॉमेडी शो देखकर हंसने लगेगा। सब जीवन सामान्य हो जाएगा। आपको इस दुनिया में आश्चर्यजनक गति से भुला दिया जाएगा। इस बीच आपकी प्रथम वर्ष पुण्यतिथि भव्य तरीके से मनाई जाएगी। पलक झपकते ही साल बीत गए और आपके बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। एक दिन बस पुरानी तस्वीरों को देखकर आपका बेहद करीबी आपको याद कर सकता है। लोग आपको आसानी से भूलने का इंतजार कर रहे हैं। फिर आप किसके लिए दौड़ रहे हैं और आप किसके लिए चिंतित हैं? क्या आप अपने घर परिवार रिश्तेदार को संतुष्ट करने के लिए जीवन जी रहे हैं? जिंदगी एक ही बार होती है जनाब, इसे जी भर के जी लीजिए और जितना हो सके इसके परम उद्देश्य के जितना निकट पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश कीजिए, यत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। यही जीवन है, बस इतना ही जीवन है।